ஹைரார்க்கல் காதுபா மாறுது तो प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए, बट मैं तो ठहरा वन डे बैटिंग वाला स्टूडेंट। मतलब चाहे सेमिस्टर 4 मंथ्स का हो या 6 मंथ्स का, अपनी प्रिपरेशन तो एग्जाम के एक दिन पहले ही शुरू होती है। और भाई साहब सही बोलूं तो लिटरली इसमें बहुत स्ट्रगल है। वनडे बैटिंग वाली जो सिचुएशन है ना, वो हर किसी के पास की बात नहीं होती। और अगर आप एक दिन पहले बैठोगे प्रिपेयर होने, तो फिर आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचती हैं। फर्स्ट, या तो आपके पास एक गुड फ्रेंड हो जो आपको एग्जाम से पहले सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स क्लियरली एक्सप्लेन कर दे। सेकेंड थिंग आपका जो वनडे बैटर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है वो है यूट्यूब। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना गुड फ्रेंड वाला, उसके बारे में तो खैर छोड़ ही देते हैं, उसके बारे में मैं बात ना ही करूँ तो बेहतर होगा। जो सेकंड ऑप्शन है यूट्यूब, हम उसके बारे में बात कर। मेरी इस वनडे बैटिंग की स्ट्रगलिंग में ना यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है जो मेरे हर पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प कर देता है। अब वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मैथ्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं। लिटरली बोलूँ ना तो ये लास्ट मिनट वाले जो हसल्स होते हैं ना, ये सिर्फ हमको पता है भाई इसमें कितनी स्ट्रगल है, बट स्टिल भी इंजीनियर्स मैनेज टू पास एवरी एग्जाम। और अगर इन एडिशनल अगर कॉलेज में हमको टाइम मिले तो किसी दोस्त या किसी स्टूडेंट से या हमारे क्लासमेट से हम एक्सप्लेन करा लेते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है हमारे एग्जाम्स के दौरान। మన 3D ఆబ్జెక్ట్స్ ని ఈజీగా చూపేయడానికి, జామెట్రిక్ షేప్స్ ని ఈజీగా చూపేయడానికి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ సెట్ ఎక్స్ సెట్ వై రైట్ లెఫ్ట్, ఇంకోటి ఏంటిది గో టు డిగ్రీస్ రేడియన్ మల్టిపుల్ అంటే ఒక దాంట్లో నుంచి టూ ఆర్ మోర్ వస్తాయి जब सारा टेंशन खत्म हो गया तो अब टाइम था थोड़ा हेयर कट करवा लेने का, क्योंकि मेरे बाल लिटरली थोड़े बढ़ गए थे जो मेरे से हैंडल नहीं हो रहे थे। तो हम हेयर कट करवाने पहुंच गए पीपल ट्री सैलून। फेस कट दिख रहा था ना इसे, वो तो लग रहा था ना वैसे, तो पूरा फेस उसका सेम है, बस ये है कि भाई वो है ये तो सेम रहता है राम से रहना और ये रहते ना वही जैसे वो आए थे कटिंग कराने के लिए, मैंने सामने आके ला के बिठा रहा था देख रहा है। अच्छा जाने से जाना लगे
Thank you.
बाद में जा रहा हूँ। ठीक है आता हूँ फिर। स्टिल समथिंग वॉज मिसिंग। तो बहुत सोचने के बाद मेरे ध्यान में ये आया कि मेरे जो चश्मे थे वो काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो अब जो टाइम है इसे अपडेट करने का। तो इसे अपडेट करने के लिए मैं पहुंच गया लेट्स स्टार्ट शुरू। हेलो मतलब एडिएटर एडिएटर वॉचिंग द व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अंटिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।